यार वेलकम टू आईआईटी रुड़की हॉस्टल रूम टू रूम कैसे होते हैं, कैसे एलोकेट होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में। हम हैं आईआईटी रुड़की के राजेंद्र भवन में, यही हॉस्टल आपको मिलती है जब आप फ्रेशर बनते हो और यहाँ पे आते हो। चलिए हमें अभी डी ब्लॉक में, यहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलती है। और अगर आपको लगता है कि यार ट्रिपल शेयरिंग तीन लोगों के साथ हेडेक है, बट लुक एट द व्यू मैन, बहुत ही प्यारा। तीन प्रॉपर सेपरेट बेड्स हैं, तीन प्रॉपर लॉकर है, और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग टेबल्स आपको मिलेगी। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पे आओ, अपना चेयर मिला है, अपना डेस्क सजाओ जैसे हिसाब से काम करना चाहते हो, और डेस्क भी बहुत ही स्टैंडर्ड है। आप देखो यहाँ पे एकदम अच्छी बिल्ड है, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हो, यहाँ पे जो भी अपना बुक रखना है, जैसे भाई ने बुक रखा है डाटा वो ठीक है इससे पहले, तो यहाँ पे आप भगवान जी भी प्लेस कर रखा है। भाई बहुत धार्मिक लगते हैं हमारे, थ्री इडियट्स की कहानी याद आ रही है। तो यार यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लो, नीचे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे कैबिनेट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने डायरीज या पेन या पेन जो भी रखना रखो, मुझे क्या रखना हो तो आपके ऊपर। और ये तीन प्रॉपर लॉकर मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा स्पेस है एक्चुअली लॉकर, क्योंकि हमारे तो वुडन वाला था, वो वर्टिकली था, लंबा था, बट इतना एक ही रूम में इतना स्मार्टली बनाया नहीं गया था। तो यहाँ आते हैं, इसको थोड़ा छोटा वाला गोदरेज मिला यार, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो अभी रूम जब एलोकेट होता है भाई, तो पीछे हमारे भाई है जो इस रूम में अधिकतर रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो जब रूम एलोकेट होता है तो बेड्स एलोकेट नहीं होते, बस रूम बोल देते हैं डीजे 11 में 3 हैं, वो अपने विजुअल अंडरस्टैंडिंग पे तुम लोग डिसाइड कर देना बेड्स अपने आपस में, हां पिक जहां जिसको लेना है लेना, सेटअप आपस में चेंज कर सकते हो अगर आपको ये सेटअप नहीं, कोई और सेटअप पसंद हो। हाँ, तो काफी सही है, लेकिन तुम हॉस्टल यही रहेगा, तुम ब्लॉक चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, ब्लॉक चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं तो रूम भी चेंज नहीं कर सकते, रूम भी नहीं चेंज नहीं कर सकते। जो अनऑफिशियली तुम एक के जगह दूसरे रूम में सो जाओ वो तो अलग बात है, जैसे ये कर रहा है नहीं सही, मतलब दोस्त बन जाते तो फिर तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे यार ये तीसरा बेड हो गया, ऊपर से क्या दिखता है मुझे पता नहीं, बट ठीक है कुछ नहीं दिखता छोटू व्यू नहीं है, बट एटलीस्ट ठीक है, ये विंडो है, विंडो में नेट लगी है तो आपको अच्छा मच्छर काटते हैं क्या? बाहर काटते हैं, बाहर काटते हैं थोड़े बहुत रहेंगे, बट ठीक है एटलीस्ट नेट लगी है तो आप प्रोटेक्टर हो गए, उससे कोई टेंशन नहीं है। शोर शराबा तो बाहर भी कुछ आता नहीं है इतना, तुम ही लोग जो करते हो अपना ही, ये नहीं एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं है। ये यार ऊपर एक्स्ट्रा टेबल किस चीज के लिए दिए गए हैं? ये बेड साइड टेबल की, लेकिन जगह नहीं है उसको रखने के लिए। अच्छा तो तुम लोग ऊपर रख दिया, बहुत बढ़िया, हैंगर भी मिल गए मेरे हिसाब से, ये कॉर्नर वो कॉर्नर ज्यादा सही यार, बीच वाला थोड़ा सा ऐसा है ना, ये तो मेरे हिसाब अगर मैं ये रूम लेता तो मैं यहाँ पे लेता, साइड में रहो, सॉर्टेड रहो, अंदर गंदे की फैला। ये कि तीनों लोग अगर लेट भी रहे हो तो आपस में बात कर सकते हैं प्रॉपरली, ऐसे फुल ये नेटवर्किंग का हमारा, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के लिए तीनों का सेपरेट भी हो गया कि स्टडी स्पेस अपना, यहाँ पे अपना चेयर भी इन्होंने प्रोवाइड किया। हाँ, चेयर इनका ही है, कितनी अच्छी क्वालिटी चेयर है यार, ओहो बहुत सुंदर। और तुम्हारी लैम स्पीड तो होगी वाह, 1.1 Gbps और ये इंडिया का फास्टेस्ट आईटी में। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये तो प्राइड की बात है यार। और तुम्हें आयरन वायरन रखना अलाउ है? ले आते हैं लोग, ले आते हैं लोग, ऑफिशियली नहीं है लेकिन सब हो जाता है, अनऑफिशियली इंडक्शन भी ला सकते हैं, सब लाते हैं, लेके आते हैं हम लोग भी ला देते हैं। और लैंप तीनों के लिए अलग-अलग, तीनों का अलग है, वेरी गुड यार, क्योंकि आईटी बॉम्बे गया था तो वहां पे क्या है कि यार तुम्हें वाईफाई राउटर लगाने पड़ रहे थे, लैंप एक ही है और टेबल एक ठीक ठाक सा दे रहे हैं, बट ये तो काफी अपग्रेड है। बट दिस इज नॉट द स्टोरी विद एवरीवन, मे बी यहां पे कितने लोगों को मिलता है रूम? 202 हां 1/4 को मिलता है, और बाकी दूसरे ब्लॉक में जाते हो, चलिए उसका भी नजारा दिखाते हैं। दिस वाज डी ब्लॉक राजेंद्र भवन, ओके यार वेलकम टू बी ब्लॉक। अगर आप इस हॉस्टल में आते हो और आपको डी ब्लॉक नहीं मिलती है तो आपको मिलेगी ए बी सी जो कि सिमिलर है, तो मैं एक रूम का टूर दे रहा हूँ। अब अंदर रूम जो तीन रूम वाले हॉस्टल हैं बी ब्लॉक उससे भी बड़ा है, बट डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, दरवाजा का लॉक देख लो, यहाँ पे कुंडी देख लो, बोर्ड देख लो, बट जान लो की स्पीड बहुत ताबड़ तोड़ है और अल्टीमेटली आके सो नहीं होता है, पड़े रहते आप किसी के भी रूम पे अपने दोस्त के रूम पे, तो यहाँ पे ताके हैं, हम तो बिहार में ऐसे ही बोलते हैं ताके बने हैं, यहाँ पे शेल मौसम नहीं सिस्टम है भाई, ताकि और प्रॉपरली बैलकनी है जो कि चार लोग ही कॉमन शेयरिंग होती है, मतलब उधर जो रहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मस्त अपने कपड़े सुखाओ, सामने से मैच देखो, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका ए बी सी ब्लॉक का रूम।
यहाँ पे चेयर विंटेज है, वहाँ पे चेयर फैंसी है, लेकिन मुझे लगता है भाई कंपैरिजन वीडियो बन जाएगा। बट डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं, बट एट दी एंड आप आते हो, आपको यहाँ पे चिल करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे लोगों से दोस्ती करना है, तो मैटर नहीं करता आप कहाँ पे घूम रहे होते हैं। अगर आपको अभी वीडियो में लग रहा हो कि नहीं नहीं मुझे डी ब्लॉग चाहिए, देखो जिसको जो मिल जाए वहाँ पे खुश रहो, और हो सके आप आईटी रोड के आओगे नहीं कहीं आप चले जाओगे आईटी बॉम्बे चले जाओगे तो भी डी ब्लॉग सर होंगे मिलेगा मजा करो, हो सके वहाँ नया ब्लॉग अच्छा हो, मैं देखा ही नया ब्लॉग से। यही रूम है यहाँ पे, अब मेरे को ये बता दे रहा कि जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है जब आप आ रहे हो हॉस्टल में तो क्या क्या लेकर आए, क्या मतलब मुझे पता था तुम कम से कम बता दो क्या सामान कितना सामान लेके आए थे, लैपटॉप लेके आए थे। लैपटॉप एक नेसेसरी रहता है ये कि आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं या असाइनमेंट्स भी, अब जैसे दो साल को होना हुआ तो सारे असाइनमेंट आप ऑनलाइन देते हैं, कोई प्रिंट आउट नहीं देता, सब उसी पे रहता है तो आपको करना है। फिर मोबाइल लाओ अपना, वो सिंपल रहो, उतना कोई जरूरत है नहीं। बाकी तो टेबल वेबल देते ही, हाँ गद्दा ले आओ। अच्छा गद्दा यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद सकते हो ना गद्दा, यहाँ पे उस टाइम लगता है पूरा स्टॉल लगता है जहाँ पे आपकी सारी बेसिक चीजें, गद्दा हो गया, बाल्टी वाल्टी सब, साइकिल की लगी रहती है दुकान, कैंपस के अंदर लगती है अलग से, तो वो सब है। पानी की हरदम अवेलेबिलिटी है, दो तीन बोतल ले लो काफी है, एक बोतल आप लेके जाओगे कभी, एक बोतल रूम पे रहेगा, सो वो सब है। बाकी लैंड केबल देता ही है, लैंड स्पीड देख ही लिए सबने। अच्छा लैंड केबल यही प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी, खरीदना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता, और लंबी कन्वर्टर लेना पड़ता है जिसके पास, हाँ जिसके पास वो इथरनेट वाला नहीं है तो उसको कन्वर्टर लेना होगा, बस बाकी सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है, देख ही लिए रूम्स बस, बाकी दोस्तों को वहाँ बिठाओ और उनकी इंट्रोडक्शन लो, ठीक है, ये आके समझ में आएगा तुम्हें। अभी इस वीडियो के लिए यार, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स लॉट फॉर शोइंग द रूम गाइज, एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बताएं और हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखिए, घर वालों से प्यार कीजिए, चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आईटी बॉम्बे, आईटी गुवाहाटी, आईटी दिल्ली भी हो जाएगा शायद, तो चेकआउट कीजिए, और भी टूर्स एंड ट्रैवल बहुत टाइप के वीडियो है, बहुत टाइप के पॉडकास्ट है, इन्फॉर्मेटिव सीरीज है, बहुत सारा काम है, 200 से ज़्यादा वीडियोस है, तो मेक श्योर यू चेक दम आउट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।